विश्व विख्यात शिव मंदिर बैजनाथ की लाइटिंग काफी समय से बंद पड़ी है। बाहर से आ रहे पर्यटकों को इससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि मंदिर न्यास के पास करोड़ों रुपए जमा है, फिर भी मंदिर न्यास इन लाइटों को चालू कराने में विवश है। विश्व का सबसे पुराना मंदिर होने के कारण यहां लोग हजारों की संख्या में बैजनाथ शिव मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं, जिसके प्रांगण में शाम को लाइट न होने के कारण अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। युवक मंडल के प्रधान सचिन अवस्थी ने बताया कि बैजनाथ शिव मंदिर में लाइट ना होने के कारण मंदिर न्यास को उन्होंने बार बार अनुरोध किया है, फिर भी मंदिर न्यास ने अभी तक लाइटों का कोई स्थायी समाधान नहीं करवाया है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल शर्मा ने बताया कि उन्होंने बिजली विभाग को 4 लाख जमा करवा दिए हैं और शीघ्र ही इन लाइटों को शिवरात्रि से पहले चालू करवा दिया जाएगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सचिन अवस्थी है। हम गणेश युवा मंडल के सभी सदस्य हैं और हम यहाँ पे लगभग जो भी बच्चे आए हुए हैं वो रोज आरती करने आते हैं और अपनी मंदिर में सेवाएं देते हैं। तो इन्हें बुरा इस बात का लगता है कि इतना भव्य मंदिर है और इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगने के बावजूद भी ये लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। आज 2-4 लाइटें इन्होंने लगा दी हैं, वो भी परसों मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके उपरांत इन्होंने ये लाइटें लगवाई हुई हैं वो दिखाने के लिए। और आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी लाइटें भी बंद पड़ी हुई हैं। तो हम आज इकट्ठा होकर हमने कमेटी को ये बताना है कि मंदिर पे भी कमेटी का राज नहीं चलेगा। जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है, हमारे पास एक ही पहचान है और आप उसे भी खो रहे हो। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज इन बड़ी से बड़ी लाइटों को जगाया जाए, क्योंकि 10 या 12 दिन या 15 दिनों बाद शिवरात्रि आने वाली है और ये हमारा एक मेन फेस्टिवल होता है बैजनाथ का, गिना चुना एक मेन फेस्टिवल होता है, वो भी इनको अच्छे से मनाना मेरे को लग रहा है नहीं आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइटों को जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। जय बाबा बैजनाथ। ठीक है, हम इसमें किसी का विरोध नहीं। बैजनाथ से शिव सूद की रिपोर्ट।